तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M31 है वो फाइनली आज लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और वो भी बहुत ही कमाल के प्राइस में। आप इसका प्राइस सुनकर हैरान होने वाले हो क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है इतना कुछ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के गलेक्सी M31 के बारे में और मैं बताऊँगा इसका प्राइस क्या है, इसके स्पेक्स क्या है और इसकी सेल कब स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी डिज़ाइन की बात कर ली जाए, इसमें आपको आगे की तरफ एक ड्रॉप नोज देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड में मिलता है क्वाड रियर कैमरे का सेटअप। अब दोस्तों अगर इसकी डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 409 ppi और इसके साथ में आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। और दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिल जाता है सैमसंग का एक्सिनोस 9 octa 9611 का प्रोसेसर और इसके साथ ही आपको इसमें ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाता है G72 MP3। और दोस्तों आपको इसमें रैम बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, इसमें आपको मिलती है 6 GB की रैम। और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए, इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, एक 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरा 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हो 512 GB तक। और दोस्तों अगर मेन इसके कैमरा की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको इसमें पीछे की तरफ मिलता है क्वाड रियर कैमरे का सेटअप और जिसका मेन प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसके साथ जो दूसरा कैमरा मिलता है वो आपको इसमें मिलता है अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए जो कि है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और तीसरा कैमरा मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि एक डेप्थ सेंसर है। और चौथा कैमरा भी आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि एक आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है। अब दोस्तों अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बता दूं मैं आपको, जो कि इसके ड्रॉप नॉच के अंदर दिया गया है, वो आपको इसमें बहुत अच्छा खासा कैमरा मिलता है, वो आपको इसमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और दोस्तों अगर इसकी बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बैटरी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है क्योंकि इसमें आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और इसके साथ ही आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का स्पॉट भी मिल जाता है। एक 15 वॉट का चार्जर आपको इसके बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है। और दोस्तों ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में भी मिल जाता है, आप दोनों नैनो सिम डाल सकते हो और इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, यानी कि आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। और दोस्तों अगर इसके फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में मैं आपको बता दूं, वो ठीक इसके पीछे की तरफ दिया गया है। और दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको इसमें मिलेगा Android 10Q। अब लास्ट में दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, जो कि सबसे मेन बात है, इसका प्राइस रखा गया है जो 6GB 64GB वाला वेरियंट है वो आपको मिलता है सिर्फ 14,999 रुपये में, और जो 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलता है 15,999 रुपये में। और दोस्तों इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है Amazon के ऊपर और Samsung.com के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा 5 मार्च से, मतलब कि इसकी सेल्स जो स्टार्ट होने वाली है वो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कीमत में ये फ़ोन कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आप मिलते हैं एक और नए फ़ोन के साथ और एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।